हेलो स्टूडेंट, आज सोशल साइंस का हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 8th का रिसोर्स के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। ये चैप्टर क्लास 10th के लिए भी यूजफुल होगा क्योंकि क्लास 10th में भी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का एक चैप्टर है। उन दोनों चैप्टरों को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो व्हाट इज़ द रिसोर्स, पहले रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। रिसोर्स क्या है? हम अपने एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को इजीली देखते हैं, जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है और जिससे ह्यूमन सेटिस्फाई होता है, जो ह्यूमन की वांट्स हैं, जो ह्यूमन की नीडिट्स हैं, उस नीडिट से ह्यूमन जो सेटिस्फाई होता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं, यानी कि उसका वो संसाधन बन जाता है। रिसोर्स का हिंदी होता है संसाधन। अगर डेफिनेशन के रूप में अगर इसको हम देखें तो ए रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी कि ह्यूमन वांट्स जो हैं, ह्यूमन वांट्स को अगर जो जो सोर्स सेटिस्फाई कर देता है उसी को हम क्या करते हैं, रिसोर्स कहते हैं। ये रिसोर्स जो होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन वांट्स को ये रिसोर्स क्या कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं। इस रिसोर्स की दूसरी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो दूसरी डेफिनेशन है हमारी, एवरी थिंग्स अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड्स प्रोवाइड इट इज टेक्नोलॉजी एसेसिबल, इकोनॉमिकली फैसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज रिसोर्स। यानी कि ह्यूमन इन्वायरमेंट के चारों तरफ, इन अपने इन्वायरमेंट के चारों तरफ जो भी चीज़ है जो ह्यूमन को सेटिस्फाई कर देती है वो हमारा रिसोर्स है। एग्जाम्पल रूप में हम देखेंगे स्टूडेंट, हमें जब ड्रिंक वाटर वाटर की चाहत होती है, वांट्स होती है, पानी पीने का हमें मन होता है तो हम पानी पीते हैं, यानी कि हम सेटिस्फाई होते हैं, तो वो हमारा रिसोर्स होता है। हम स्कूल आते हैं, किसी रिक्शे से आते हैं, किसी बाइक से आते हैं या बस से आते हैं, तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया, संसाधन हो गया। हम बुक्स को पढ़ते हैं और बुक्स हमें एक नॉलेज देती है तो ये हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया। यानी कि ह्यूमन की जितनी भी चीज़ों, मतलब ह्यूमन जिस चीज़ों से सेटिस्फाई होता है, ह्यूमन जिस चीज़ों से सेटिस्फाई होता है, हमारे यहाँ फैन चलता है, फैन से हमें हवा मिलती है और हम रिसोर्स हो गया, हम वो हमारे लिए फैन रिसोर्स हो गया। लेकिन जो जो हमें रिक्शा बुक फैन और जो ट्रैफिक से जिससे हम आए हैं वो सब हमारे काम को आसान बनाते हैं, ये सब हमारे लिए रिसोर्स हो गया। लेकिन जब इस रिसोर्स में कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो नेचुरली रिसोर्स हैं, और नेचुरली रिसोर्स में समय समय पर, टाइम टाइम पर टेक्नोलॉजी का जब ह्यूमन इसमें यूज करता है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं बात करूंगा कि हमें नेचुरली एयर मिलती है लेकिन उस एयर को हम कैसे अपने घरों में लाएं, तो एक आयरन में, एक मिनरल्स में, आयरन में ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी यूज की और उसको फैन बना दिया। जिस तरह की एयर हमें बाहर मिलती है वो हमारे घर में मिलनी, यानी कि टेक्नोलॉजी और फिजिकल इन्वायरमेंटल और इंस्टीट्यूट, ये तीनों मिलकर ह्यूमन बीइंग इन तीनों से संपर्क इंटरकनेक्टेड रहते हैं और एक रिसोर्स का निर्माण करते हैं। अब स्टूडेंट हम देखेंगे टाइप ऑफ रिसोर्स, टाइप ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं, रिसोर्स हम देखेंगे टू टाइप से होते हैं, नेचुरली रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स। नेचुरली रिसोर्स, ह्यूमन मेड। नेचुरली रिसोर्स का मतलब होता है जो रिसोर्स हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, एज ए लाइक ऑफ लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सारे रिसोर्स हमारे नेचुरली रिसोर्स होते हैं। और ह्यूमन मेड रिसोर्स, जैसे अभी मैंने चर्चा की, जैसे मैंने फैन बनाया, ह्यूमन ने अपना फैन बनाया टेक्नोलॉजी यूज करके, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है, हमें ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ह्यूमन की। जैसे हमें गर्मी, अपने घरों में गर्मी लगती है और हम फैन चला देते हैं तो हमारी हमारे पसीने को सुखा देता है और हमें सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। अब हम टू टाइप के रिसोर्स को यहाँ देखेंगे, एक नेचुरली रिसोर्स और एक ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरली रिसोर्स के कई पार्ट होते हैं, जैसे बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, बेसिस ऑफ ऑरिजिन्स। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स।
बेसिस ऑफ ऑरिजिन के दो पार्ट हो जाते हैं, बायोटिक रिसोर्स और एवायोटिक रिसोर्स। ये आगे चल के हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, यहां पर देखेंगे बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी के टू टाइप के रिसोर्स हो जाते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एक रिन्यूएबल रिसोर्स और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अभी बेसिकली हम नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स की बाद में बात करेंगे। तो हमने क्या देखा कि इसमें नेचुरल रिसोर्स में दो पार्ट, तीन पार्ट हुए। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास, डेवलपमेंट होता है विकास, विकास के आधार पर। बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, ऑरिजिन मीन्स मतलब उत्पत्ति के आधार पर। तो बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर हमने देखा एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। बेसिस ऑफ ऑरिजिन के आधार पर हमने देखा बायोटिक रिसोर्स और एवायोटिक रिसोर्स। और बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी के आधार पर हमने देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब स्टूडेंट हम इसकी एक एक डेफिनेशन क्लियर करेंगे, क्या होता है एक्चुअल रिसोर्स और क्या होता है पोटेंशियल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक्चुअल रिसोर्स दोज रिसोर्स वेयर वी नो एज टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिसके बारे में हमें क्वांटिटी और क्वालिटी के और अवेलेबिलिटी के बारे में पता होता है, एक्चुअल पता हो रहता है, ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। फिर देखेंगे दोज रिसोर्स वेयर वी नो द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स। यानी कि ऐसे रिसोर्स जो जिसकी हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पता रहता है, ऐसे रिसोर्स को हम एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल तौर में नेचुरल ऑयल रिजर्व ऑफ मिडिल ईस्ट, जैसे हमें पता है कि नेचुरल ऑयल जो है वो मिडिल ईस्ट में रिजर्व है। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ नियाग्रा फॉल, नियाग्रा फॉल जो है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनती है, ये हमें एक्चुअली पता है। तो ऐसे रिसोर्स इंडियन मुंबई हाईवे, यानी कि ऐसे रिसोर्स जिसका हमको एक्चुअली पता रहता है, ऐसे रिसोर्स को हम एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। और दूसरी तरह के रिसोर्स होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स आर दीज दैट आर नो टू एग्जिस्ट व्हाट दे हैव नॉट बीन यूज्ड एज येट। पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज दैट आर नो टू एग्जिस्ट, यानी कि इसके अस्तित्व के बारे में हमें पता है, लेकिन व्हाट दे हैव नॉट बीन यूज्ड, लेकिन ये अभी यूज नहीं हो रहे। यानी कि एक्चुअल पोटेंशियल का मतलब होता है संभावना है, हमें इसकी संभावना, इन रिसोर्सेस की मिलने की संभावना है जो आगे चलकर हमें मिल भी सकते हैं। जैसे हम लद्दाख की बात करें, वहां से यूरेनियम मिलने की संभावना है, सोलर एनर्जी और विंड, ये हमारे पोटेंशियल रिसोर्स में आते हैं। दूसरे बेसिस ऑफ ऑरिजिन के रूप में हमने बात की थी, उसमें दो तरह के रिसोर्स आते हैं, एक बायोटिक रिसोर्स एक एवायोटिक रिसोर्स। वायोटिक रिसोर्स और एवायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं? वायोटिक रिसोर्स आर ऑल बायोलॉजिकल और लिविंग बींग सच एज प्लांट एनिमल्स इंसिस्ट। वायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे प्लांट एनिमल्स और यानी कि फ्लोरा एंड फौना, यानी कि ये दोनों रिसोर्स होते हैं, ये बायोटिक होते हैं जो एक तरह से लिविंग थिंग्स होती हैं, यानी कि सजीव होती हैं। और एवायोटिक रिसोर्स इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी एक भाषा में हम समझेंगे स्टूडेंट कि वायोटिक रिसोर्स लिविंग थिंग्स होती हैं, एवायोटिक रिसोर्स नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे लैंड, मिनरल्स, सॉइल, ठीक है। तो इस तरह से हमने वायोटिक रिसोर्स के बारे में डेफिनेशन जानी, एवायोटिक रिसोर्स की डेफिनेशन जानी। तो हम दोबारा देखते हैं, एक्चुअल रिसोर्स के बारे में जाना, पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में। अब बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी के बारे में हम जानेंगे। बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी में दो तरह के रिसोर्स होते हैं, एक है आपका
रिन्यूअल रिसोर्स, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाई फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नो एज रिन्यूअल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जो रिन्यूड होता है और रिप्रोड्यूस होता है फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस से, ऐसे रिसोर्स को हम रिन्यूअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल की तो मैं सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से रिन्यूअल होते रहते हैं, ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, रिन्यूअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी बार बार प्राप्त होती रहती है, विंड हमें प्राप्त होती है, विंड एनर्जी मिल सकती है, वाटर एनर्जी मिल सकती है, ऐसे रिसोर्स को हम रिन्यूअल रिसोर्स कहते हैं जो इन्फिनेटिव तक होते हैं और इनका ये हमें पुनः प्राप्त हो सकते हैं, बार बार रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, ऐसे रिसोर्स को हम रिन्यूअल रिसोर्स कहते हैं। नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज दैट आर द डिप्लेट एंड द कैन नॉट डेवलप क्विकली आर द नॉन रिन्यूअल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो हमें दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, रिन्यूअल नहीं होते हैं, ऐसे रिसोर्स को हम नॉन रिन्यूअल रिसोर्स कहते हैं। इसमें आयरन और गोल्ड, पेट्रोलियम आता है। तो स्टूडेंट, हमने ये रिसोर्स के बारे में चर्चा की, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी के बारे में, बेसिस ऑफ ऑरिजिन के बारे में, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये सब के बारे में हमने चर्चा की। अब आप एक कॉपी पेन उठाकर इसको नोट कर लेंगे, मैं इस वीडियो को आपको दोबारा से दिखाकर और आप इसको नोट करके अपने नोट्स बनाते रहेंगे। थैंक यू।